तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, देखिए ये वही तस्वीर है नुपुर शर्मा पर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज, डीजीपी, सीबीआई निदेशक, राजदूत, सेना अधिकारी समेत 117 लोग हैं जिन्होंने सीजीआई को ये ओपन लेटर लिखा है और इसमें जो टिप्पणी की गई थी उससे गैर जरूरी, स्तब्धकारी और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताया है और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा कि संजय बता रहे थे, स्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये जुडिशियरी पर एक तरीके से धब्बा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जस्टिस ढींगरा का भी नाम है जिन्होंने कठोर टिप्पणियां की थी और कई तरह की बातें उन्होंने कही थी जिसके बाद वो भी चर्चा का विषय बनी थी। हमारे साथ नलिनी भी जुड़ गई है। नलिनी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो ये 117 प्रबुद्ध लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, क्योंकि जस्टिस ढींगरा का जिक्र हम भी बार बार कर रहे हैं, उन्होंने भी टिप्पणियां की थी कि ये टिप्पणियां जरूरी नहीं थी, इससे आपने बेसिक न्याय की जो तरीका था उसको आपने हनन किया एक व्यक्ति का, आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की। अब जब ये 117 प्रबुद्ध लोग लिखते हैं इसके मायने क्या हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर चर्चा जो है वो सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों और अब आम घरों में भी होने लगी है और कानून पर ही कानून के लोग सवाल उठा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं स्टेटमेंट में जो 117 लोगों ने लिखा है, जिसमें से 15 पूर्व जजेस हैं हाईकोर्ट्स के। और पहली सबसे जरूरी चीज उन्होंने ये बोली है कि ये जो पूरा नुपुर शर्मा का मामला है, इसमें नुपुर शर्मा के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर की जांच अभी भी जारी है, उसमें कोई ट्रायल नहीं हुआ है। तो जब तक उसमें ट्रायल नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे आके कहना कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं करा गया और उनके अगेंस्ट कार्यवाही का क्या स्टेटस है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल उठते हैं ये नाजायज है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो पिटिशन थी नुपुर शर्मा की जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी वो सिर्फ एफआईआर ट्रांसफर करने के इशू पे थी, एक बहुत ही लिमिटेड इशू पे थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ओवर एंड बियॉन्ड जाके इतने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उन्होंने इतनी चीजें बोली हैं जो उनके पिटिशन के दायरे में भी नहीं थी, पिटिशन के दायरे के बहुत बाहर थी चीजें, जो उनके कॉमेंट्स थे, जो उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, ये सब पिटिशन का पार्ट नहीं थी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये ओरल ऑब्जर्वेशन देना क्या ये सही था या ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर था, ये सवाल अब उठाया जा रहा है। जब से फ्राइडे को ये टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक बढ़ती हुई डिमांड आ रही है कि जजेस को अपने जो रिमार्क्स हैं वो वापस लेने चाहिए। और क्योंकि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर सामने आया है, जो स्टेटमेंट जो 117 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व जजेस और पूर्व आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स ने इशू करा है, तो इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जाके इस पे कोई संज्ञान लेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ कहेगा, ये हमें देखना रह जाता है। क्योंकि जो बेंच पिछले हफ्ते वेकेशन बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की, वो वेकेशन बेंच अब मामलों की सुनवाई नहीं कर रही है। तो अगले हफ्ते ही सारे बाकी के सुप्रीम कोर्ट जजेस वापस लौटेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो तब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ संज्ञान लेगा, कुछ टिप्पणी करेगा, ये देखना बाकी रह गया है। लेकिन ये डिमांड जरूर फिलहाल बढ़ती जा रही है कि ये जो रिमार्क्स फ्राइडे को दिए गए थे इनको वापस लेना जरूरी है। अब संजय, सवाल देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि जिनको कानून का एबीसीडी भी नहीं पता वो भी कोर्ट पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और ये बातें ठीक भी है, कुछ एक वेबसाइट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चला, लेकिन अब जब कानून से जुड़े लोग ही, जुडिशरी से जुड़े लोग ही इस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं और कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पूरी बहस के लिए जिम्मेदार भी आपके अंदर खाने से आवाज आ रही है। और अगर ये बात सीजीआई तक पहुंचती, क्योंकि लग नहीं रहा कि मामला ठंडा होने वाला, क्योंकि नुपुर शर्मा प्रकरण जो है उसको लेकर रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, चाहे सरतन से जुदा हो या जिस तरह से बात कह दी गई कि जिम्मेदार आप थी, उसके बाद एक नई घटना आ गई, कई और जगह से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं, किस ओर जाते देख रहे हैं? और जो आज ये टिप्पणियां कोर्ट पर हो रही हैं, क्या उसके लिए जो यहां पर जिक्र है लेटर में कि थोड़ा अपने दायरे से ज्यादा बढ़कर टिप्पणियां हो गई? लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर इस पर तो कहना बहुत आसान है कि जिनको कुछ एबीसीडी पता नहीं है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिनको एबीसीडी का जेड तक पता है कानून का, जब वो कह रहे हैं तो इस पर फिर अदालत का क्या रिएक्शन होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिन लोगों ने ये खुला पत्र लिखा है सीजीआई के नाम, उन लोग वो लोग कानून के अच्छे जानकार जो नहीं जी, संजय बात कि उन्हें कानून का पता नहीं है, आप किसी को ऐसे तो रोक सकते हैं।
ठीक है संजय, मैं आपके पास आऊंगा यही सवाल। नलिनी आप जवाब दे दीजिए कि जिन्हें एबीसीडी नहीं पता वो ठीक है, लेकिन जो जेड तक जानते हैं अगर वो टिप्पणियां कर रहे हैं, संजय मैं आपके पास आऊंगा, आप एक बार अपना नेटवर्क फिक्स कर लीजिए, मैं तब तक एक बार नलिनी से जवाब ले लेता हूं। जी बिल्कुल, देखा जैसा मैंने कहा, इन 117 लोगों ने जिन्होंने ये ओपन स्टेटमेंट इश्यू कराया है, इसमें से 15 रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके ये सारी टिप्पणियां करी। तो इन 15 जजेस के बारे में तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको कानून का हर एक एस्पेक्ट पता होगा ये जाके बोलने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिमार्क्स वापस लेने चाहिए। इन्होंने अपने लेटर में ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद लक्ष्मण रेखा पार की है ये सारे ऑब्जर्वेशंस देने में, जो एक बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशन आ रहा है हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। इसके अलावा जो जस्टिस पर्दीवाला ने ये स्टेटमेंट देने के कुछ टाइम बाद ही एक लेक्चर में स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कानून के बारे में नहीं जानते वो इन चीजों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अब वो इस लेटर के बारे में क्या बोलेंगे वो देखना बाकी रह जाता है, क्योंकि जो लेटर अब इश्यू हुआ है वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। और सिर्फ जजेस की बात नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स हैं, ये भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं सोसाइटी के। तो अगर ये लोग आके कुछ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और एक दो या दस लोग नहीं 117 लोग आके बोल रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको नजरअंदाज कर सकता है और इनकी बात नहीं ले सकता कंसिडरेशन में, ये देखना।